सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, देखो बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप कर रहे हैं 274 एक्सरसाइज 12.2। आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्ट्रैक्ट किया आपने। देखो ये आपने किया है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ए माइनस बी फ्रॉम ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इस साइड में लिखना है, माइनस ब्रैकेट में लिखना है, ए बी माइनस से ज़रब हो जाएगा, फिर आंसर निकला 2b। इसी तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी दिखाया, 3, 4 मैंने आपको दिखाया। देखो आज ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको हम किताब पर दो बार पढ़ेंगे, 274 पेज पर। व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x² माइनस 4y² प्लस 5x प्लस 20 टू ऑब्टेन माइनस x² माइनस y² प्लस 6xy माइनस 20 प्लस 20। क्या निकालेंगे हम, इसको क्या हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट। देखो मैंने इधर लिखा है, लेट वी शुड सब्ट्रैक्ट ए, यस लेट ए शुड बी सब्ट्रैक्टेड या टेकन अवे, यस। तो इसमें से ए को निकालेंगे, देखो तो ये आंसर आना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, माइनस ए को उस साइड में लिया, वो प्लस ए बन गया, ये वाला रकम जो है सारा इधर लाया, इसको माइनस इधर रखा इस साइड में, तो इस रकम को ऐसे यहाँ तक ही लिखे कि 20 तक, यहाँ से फिर माइनस से ज़रब देंगे, प्लस x² प्लस y² माइनस 6xy माइनस 20, साइन चेंज होती है। तो इसी तरह मैंने किया ये 3x², इसके साथ x² मिलाया, हो गए 4x², फिर है इसी तरह y² माइनस y², इधर है प्लस y², तो माइनस 3y² माइनस xy, हाँ 5 में से 6 को घटाएंगे, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ए, तो मैं लिखूंगा वी शुड टेक अवे 4x² माइनस 3y² माइनस xy फ्रॉम इट। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी है, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 है फिर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस, यस 3x माइनस वाई प्लस माइनस 11, 3x माइनस वाई माइनस 11, ये इन दो को जमा करना है, ये वाला घटाना है इसमें से, यस। तो देखो कैसे करोगे आप, 3x माइनस वाई प्लस 11 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाई माइनस 11 माइनस 3x माइनस 4 माइनस 11, तो इन दो को हम करेंगे यहाँ तक ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, हाँ तो माइनस 3x आएगा, माइनस 3x क्यों आ गया, क्योंकि इसको आ गया माइनस एजर, प्लस वाई आएगा, प्लस 11 आएगा, फिर मिलाएंगे एक्सान टर्म्स, 3x इधर है प्लस, हाँ इधर 3x माइनस है, कट हो गया, माइनस वाई, यस इधर प्लस वाई है, कट हो गया, प्लस 11 माइनस 11 कट हो गया, बाकी क्या रह गया, माइनस वाई प्लस 11 और 11 माइनस वाई रह गया। इसी तरह से 4 प्लस 3x को जमा करना है, 5 माइनस 4x प्लस 2x² के साथ, फिर घटाना है इन दो के जमा में से, 3x² माइनस 5x प्लस माइनस x² प्लस 2x प्लस 5, तो इन दो को मैं मिलाऊंगा पहले, देखो यकसान टर्म्स, लाइक टर्म्स को मैंने एक जगह लाया, फिर यहाँ करेंगे, यस, तो फिर लास्ट पर हम देंगे माइनस से इसको ज़रब, यह आएगा माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5, फिर मिलाओ यकसान टर्म्स को, तो हमारा आंसर आता है 4 माइनस 2x। तो इस तरह से आपके ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज, इंशाल्लाह कल और दिखाएंगे, मुझे उम्मीद है आप ये प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू वेरी मच।